हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशांतपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत नया सेक्टर जो हिसार के अंदर आने वाला सेक्टर उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा और हिसार में जो सेक्टर 25 आने वाला है उसके बारे में बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि सेक्टर 25 के ऊपर आप बताएं कि उसमें क्या स्कोप रहेगा, कैसा रहेगा और किस तरीके का ये सेक्टर होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ लेआउट प्लान ऑफ सेक्टर 25 कॉमर्शियल सेक्टर एट हिसार, हिसार का ये सेक्टर है और जो कि पूर्ण रूप से कॉमर्शियल सेक्टर रहेगा और इसकी लोकेशन कहाँ पर रहेगी और कैसा ये सेक्टर होगा उस सारे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अगर आप देखिएगा इसकी लोकेशन वाइज की बात करें तो ये है नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे है दिल्ली और हिसार की तरफ, यानी कि जो एयरपोर्ट एयरपोर्ट रोड जिसको बोलते हैं मेन हाईवे अपना है, हिसार से हिसार बस स्टैंड से जीजीयू के सामने होते हुए जो कैंट की तरफ जाता है बाईपास से एयरपोर्ट की तरफ से, उसी रोड के ऊपर उस रोड से ये आ गया रायपुर रोड। ये देखिएगा यहाँ पर ये रायपुर रोड है जो सेक्टर, जैसे ही हम नेशनल हाईवे से नीचे उतरते हैं तो सेक्टर 1-4 की तरफ जो रोड जाता है उसी को बोलते हैं रायपुर रोड। अभी वहां से जैसे ही हम यहाँ पर टर्न लेंगे, यानी कि अगर हम दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो हमें लेफ्ट टर्न लेना होगा ग्लोबल स्पेस जाने से पहले, ग्लोबल स्पेस जाने से पहले जैसे ही लेफ्ट टर्न हम लेंगे रायपुर रोड की तो ये कॉमर्शियल सेक्टर आना है। अभी इसका मैप आ चुका है और सबसे पहले एक खास बात बता दूं कि यहाँ पर कोई रेजिडेंशियल सेक्टर नहीं है, कंप्लीटली कॉमर्शियल सेक्टर है ये। और क्या साइज की यहाँ पर शॉप्स रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के दौरान। देखिएगा जैसे इसका ये मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये होटल्स, ये एक एक दो तीन तीन होटल्स की साइट रहेगी, दो मॉल्स रहेंगे शॉपिंग मॉल, एक हॉस्पिटल इस तरीके का, और ये पार्किंग एरिया होगा। देन उसके बाद अगर शॉप्स की बात करें, शॉप के साइज की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा छोटी शॉप्स यहाँ पर नहीं आने वाली, यहाँ पर डीएसएस और एससीओस का साइज रहेगा और उसका क्या साइज रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। अभी क्या होगा ये देखिए, ये जो पिंक कलर वाला, पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है इसमें, ये है डीएसएस, ये डीएसएस का साइज रहेगा। अभी मुझे एक्चुअली क्या कि थोड़ा सा ये हो रहा है कि यहाँ से जूम नहीं हो पा रहा मुझे, चलिए मैं वैसे फिर भी आपको कोशिश करूंगा। हाँ इसमें ठीक शो हो रहा है, तो ये जो आप देख रहे हैं, हाँ ये आ गया। और ये जो पिंक कलर वाला, ये पिंक कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है डीएसएस 5.50 × 13.75 यानी कि 5.5 मीटर, ये मीटर्स में दिया हुआ इसका साइज, गुणा में 13.75, ये हो गया 75.625 75.625 स्क्वायर मीटर को अगर हम गज में डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 90 गज का। तो यानी कि सबसे छोटी जो शॉप्स है ये 90 गज की रहेंगी और ये एक ही लाइन है पूरे सेक्टर के अंदर। उसके बाद आ जाता है एसईओ, एसईओ आ गया 10 10 बाय 27.50 मीटर के, 10 बाय 27 यानी कि 275 मीटर के, 275 स्क्वायर मीटर के रह जाएंगे। और 275 स्क्वायर मीटर को अगर कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 325 गज के आसपास में ये साइज रहेगा। तो ये साइज इसमें आपको एससीओ के मिलेंगे, देन डीएसएस के मिलेंगे और कोई गलती अगर हो रही हो तो आप उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, बाकी मैं अपना कैलकुलेट इस तरीके से कर रहा हूँ। चलिए तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, और क्या साइज के रहेंगे। तो ये देखिएगा उसके बाद ये 15.30 मीटर और ये इस तरीके के यहाँ पर रहेंगे, 15 × 30.30 मीटर के साइज की ये शोरूम्स यहाँ पर रहेंगे।
तो ये कॉमर्शियल सेक्टर, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शॉर्ट समय के लिए, अगर आप चाहते सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम थोड़े समय के लिए पूंजी लगाएं और उसके बाद इसको सेल आउट कर ले, तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला आपको। ये लंबे समय की इन्वेस्टमेंट प्लान आपको लेकर के चलना होगा, कम से कम भी एटलीस्ट 10 साल इस मार्केट को डेवलप होने में, मेरे ख्याल से, हमारे हिसाब से कम भी 10 साल का समय लग जाएगा और उससे ज्यादा हो सकता है। तो इतने लंबे समय के लिए आपको सारा कंप्लीट पेमेंट एक नंबर में आपके पास है, मोटी इन्वेस्टमेंट है, तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और कैसे रहेगा, ये जो सेक्टर 25 है, ये सारा का सारा ई ऑक्शन के ऊपर ही जाएगा, तो आपको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। तो इसलिए जो रजिस्ट्री वगैरह वो कंप्लीट व्हाइट मनी में आपको शो करनी होगी। तो इस तरीके से आप आने वाला जो सेक्टर है हिसार का, सेक्टर 25, उसका मैंने लेआउट आपको बता दिया है, लोकेशन मैंने आपको बता दी, एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा अगर किसी को समझ में नहीं आई हो। नेशनल हाईवे से रायपुर रोड की तरफ फाटक पार होने से पहले, आपको फाटक पार नहीं करना, फाटक पार होते ही तो लेफ्ट साइड में आपके सेक्टर 4 आ जाएगा, उससे पहले ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 दीवारी सी निकली हुई है और आप इस एरिया में देखेंगे तो ये रहेगा सेक्टर 25। और ये था कंप्लीटली कॉमर्शियल सेक्टर है, अभी तक रेजिडेंशियल सेक्टर हिसार के अंदर आने का कोई ऐसा बहुत परफेक्ट सूचना, एकदम जब तक एग्जैक्ट नहीं आती, उसकी कोई खबर नहीं आती, तब तक हम आपको नहीं बताते। तो ये था सेक्टर 25 हिसार का। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सही समय पर पहुंच के, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल सही समय है हिसार के अंदर, और आने वाले समय में 2-3 साल तक ऐसे ही तेजी बनी रहेगी। हाँ, कुछ स्टैटिक हो सकता है, कुछ रुक सकता है मार्केट कुछ समय के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन में अभी जाने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये, अगर आपको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर संपर्क करें, और अकेला घर बैठे काम नहीं चलेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप आए विजिट करें, मार्केट में जाएं, अगर प्रॉपर्टी, क्योंकि जितना डिले आप करेंगे उतना ही आपको फाइनेंशियल लॉस, बैंक के अंदर पैसा कुछ नहीं देगा, बैंक के अंदर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, इसलिए आप उसको प्रैक्टिकली रूप दें, उसको प्रॉपर्टीज में लगाएं। बहुत ही अच्छा मौका अभी आप हिसार वासियों को यहाँ पर मिल रहा है, और काफी अच्छा मुनाफा पिछले 2-3 साल में बहुत लोगों ने बहुत मुनाफा कमाया, और जो विचार करते रहेंगे वो करते रहेंगे, अगले 3 साल तक अगर आप विचार करते रहे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। ये था सेक्टर 25 कॉमर्शियल सेक्टर हिसार का। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।